अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 5 के हमारे पास दो पार्ट्स हैं तो उसको जो है वो इवेल्यूएट करते हैं। देखें, क्वेश्चन नंबर 5 इवेल्यूएट करना है, इसकी वैल्यू को इवेल्यूएट करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, फाइंड करनी है। तो इसका तरीकाकार ये होगा, हम लेट करेंगे इसको, कोई वेरिएबल के इक्वल जो है ना वो लेट कर सकते हैं, एक्स कह लें, वाई कह लें, तो हम इसको चलें एक्स कह देते हैं और ये आपके पास आ जाएगा जी लॉग ऑफ 128 जिसकी बेस 2 है। तो देखें, हमें पता है कि ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको अगर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है यानी कि एक्स की, तो हम क्या करना पड़ेगा, हमें इसको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो हम इसको लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको पता है ये बेस इस तरफ आ जाएगी, ये ऐसे बेस हो जाएगी और ये जो है ये नंबर हमारे पास ऊपर पावर चला जाता है और इक्वल आ जाएगा 1 ओवर 28। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ चुकी है। अभी हम क्या करेंगे, अभी इसकी जो है ना वो हम इसकी पावर बनाएंगे इस तरह एलसीएम लेके 128 की, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4 और ये 2 1 2 और 2 6 12, 2 8 2 4 2 2 and 2 1 0। तो देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर हमारे पास बन रही है 2 की पावर 7 और इधर आपके पास 2 की पावर x है। तो अभी क्या करेंगे, अभी ये जो पावर है ये हमारे पास कैसी पावर है, ये 2 की पावर 7 है। हम इसको अगर न्यूमिरेटर में ले आते हैं तो ये बन जाएगी 2 की पावर -7। अभी ये 2 की पावर -7 और इस तरफ 2 की पावर x, तो ये भी बेस 2 है, ये भी बेस 2 है, तो इसकी पावर x है, इसकी पावर -7 है। हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि अगर बेस दोनों की सेम हो जाए तो हम क्या करते हैं, ये पावर्स को इक्वल हो जाती हैं, इक्वल कर लेते हैं। तो इसके लिए फिर चलें इधर ही मैं इसको रेज करके कर देते हैं, इसको रेज करते हैं और इधर हमारे पास इधर से नेक्स्ट जो स्टेप है लास्ट, एक्स की पावर एक्स इक्वल आ जाएगा -7 के। तो ये हमारे पास जो है वो वैल्यू जो है वो मिल चुकी है हमें, हमने इसको इवेल्यूएट कर दिया है, इसको एक्स के इक्वल किया था तो इसलिए एक्स की जो वैल्यू है वो -7 है, मतलब इसकी वैल्यू, इसका आंसर -7 आ चुका है। तो बिल्कुल इजी है, इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 के भी कुछ पार्ट्स किए थे तो बिल्कुल सेम है। अभी देखें इसको भी, ये इन्होंने लफ्ज़ों में लिखा हुआ है वर्ड्स में, तो इसको खुद बना लेते हैं क्वेश्चन को। लॉग ऑफ 512 निकालना है जिसकी बेस 2 का बेस ये है, तो इसको हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन लॉग 512 निकालना है, बेस ये है आपके पास, ऐसे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लिखा है, तो हमने इसको ज़रा अपने मुताबिक बना लिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम लेट कर लेते हैं, लेट इसको जैसे वो क्वेश्चन किया है सेम एक्स के इक्वल लेट कर लें या वाई, जो आपको अच्छा लगे, और ये आपके पास ऐसे आ चुका है। अभी क्या करेंगे, अभी वही बात जो हमने इन द प्रीवियस क्वेश्चन किया है कि इसको हम लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये बेस हमारे पास इस तरफ आ जाएगी 2 into square root of 2 और ये आपके पास इधर पावर एक्स हो जाएगी और ये 512 ऐसे आपके पास रह जाएगा। तो अभी देखें अभी क्या करेंगे, अभी हम ये आपको पता है स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है कि इसकी पावर ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2, ये हम ऐसे लिख सकते हैं और इसके पास हमारी सारे की पावर एक्स पड़ी हुई है
और इधर हमारे पास 512 है, 512 को भी कर लेते हैं। तो अभी ये 2 की पावर 1/2 है और ये हमारे पास 2 है, 2 की पावर 1 होती है, तो ये बेस सेम है, तो हम क्या करेंगे 2 की पावर, चलिए नेक्स्ट इधर कर लेते हैं, 2 की पावर 1 और प्लस 1/2 ऐसे कर लेते हैं, जिसकी पावर हमारे पास सारी होल एक्स बड़ी हुई है और इधर 512 है, 512 है। इसका भी एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम इधर चलिए एलसीएम ले लेते हैं ऐसे करके 512 का। तो ये देखें आपके पास 2 2 बार 4, 2 5 10 और 2 6 12, और इसी तरह 2 1 बार 2, 2 2 बार 4, 2 2 8 बार 16 और 2 6 12, 2 4 8, 2 32 दफ़ा होता है और 2 16 दफ़ा, 2 8 दफ़ा, और फिर इधर चलें इधर कर लेते हैं 2 4 दफ़ा, 2 2 दफ़ा और 2 1 बार, ये आपके पास आ गया है। 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 की पावर 9 आई है आपके पास, 512 का हमने एलसीएम लिया है ऐसे, तो ये हमारे पास 2 की पावर 9 आ चुकी है। अभी हमने क्या करना है, ये अभी हम इसको देखें ऐसे, इसको इसको एलसीएम लेके हम पावर जब एलसीएम लेके जमा करते हैं तो ये 2 2 1 2 प्लस 1 और इसकी पावर आपके पास है एक्स 2 की पावर 9 और अभी वो 3/2 और एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये 2 की पावर 9। अभी देखें क्या हो रहा है, अभी आपके पास सेम ये बेस सेम आ चुकी है तो इसीलिए हम पावर को इक्वल कर सकते हैं। तो पावर को जब इक्वल करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी 9 के इक्वल। जब ये 9 के इक्वल आ चुका है तो ये वाला नंबर जो है 3/2 इस तरफ क्या हो रहा है, जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब इसको इस तरफ लेके आते हैं तो क्या होता है, ये 2/3 बन जाता है, एक्स बच जाएगा आपके पास 2/3 क्रॉस 9, ये ऐसे हो जाएगा। तो अभी क्या करेंगे, इसको ये कटिंग होगी 3 1 3 3 3 9, तो ये कैंसल, 3 2 6, तो आपके पास x की वैल्यू 6 आ चुकी है, यही हमने मालूम करना था। ये लें जी x की वैल्यू आ चुकी है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट्स जिसको हमने इवेल्यूएट करना था, बिल्कुल इजीली तरीके से, आसान तरीके से हमने इनको इवेल्यूएट कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा, और आज के लेक्चर के रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।